नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेगरा में अवैध शराब की संचालित भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। गश्ती पर निकले पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को अपहरण के 3 बजे पुलिस गश्ती के साथ सर्च अभियान के तहत तेगरा थाना अंतर्गत धनकौल पंचायत के खेती चकबला नदी के किनारे दिन दहाड़े सुलगता हुआ संचालित महुआ शराब की भट्टी को जब्त किया गया। इसमें अवैध शराब निर्माण किए जा रहे सभी उपकरण के साथ रॉ मटेरियल विभिन्न उपकरण की जब्ती की गई। पुलिस आने की भनक मिलते ही इससे जुड़े धंधेबाज फरार होने में सफल रहा। टीम का नेतृत्व करते हुए एएसआई वरुण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बलान नदी के किनारे अवैध रूप से शराब की भट्टी संचालित हो रही है। पुलिस बल के साथ छापामारी के दौरान संचालित हो रही भट्टी पाया गया, जिससे जब्त कर ली गई है। भट्टी के संचालक की पहचान की जा रही है। पहचान होते ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। टीम के साथ पुलिस बल एवं ग्रामीण चौकीदार आदि मौजूद थे। अवैध शराब कारोबारियों द्वारा बेहिचक दिन दहाड़े खुले आम शराब का निर्माण करना, इससे ज्ञात होता है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही दिख रही है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शराबबंदी के बावजूद क्षेत्र में आए दिन अवैध शराब भारी मात्रा में शराब बरामद हो रही है। आखिर मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय, तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद शराबबंदी क्यों विफल हो रही है? वाकई यह लाजमी है कि बिहार में यह कैसी शराबबंदी है? तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।